नहीं जज चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजलिसे वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान इसको छोड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ्द ज़मीनी इंतखाबात NA-249 के सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों भी आया था जब आप लोग आए थे और आज भी तशरीफ लाए हैं और उसके सिलसिले में मजलिसे वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान और कैंडिडेट के दरमियान एक तवील गुफ्तगू रही है जारी और उस हवाले से कुछ अहम ऐलान आज के सामने किए जाएंगे। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा NA-249 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहतरम जनाब कादिर खान मंदूखेल साहब से कि वो इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। शुक्र गुजार है मजलिस वहदत मुस्लिमीन का, उनके रहनुमाओं का। जो पिछले हफ्ते भी हम इनके पास आए वकार मेहदी साहब हमारे दूसरे सीनियर रहनुमाओं के साथ और उन्होंने हमें यह यकीन दिलाया कि हम मशावरत के बाद आपको अपने फैसले से आगाह करेंगे। मैं बहैसियत पीपल्स पार्टी के एक अदना कारकुन की हैसियत से मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक ऐसी पार्टी से है जहां तमाम अकवाम तमाम मज़ाहब के लोग शामिल है और ये गुलदस्ता नमा है और बहैसियत समाजी कारकुन पहले भी हल्के में हम काम करते आ रहे थे, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह क्योंकि मेरे कायद का ये हुक्म है और हम इंशाल्लाह आपके तोसत से तमाम NA-249 के इलाके को ये पैगाम देना चाह रहे हैं। ये वादा करते हैं जहां 2018 के इलेक्शन के बाद भी हमने हल्का नहीं छोड़ा, जो हमारे इख्तियार थे गो कि 1988 के बाद यहां पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं रही, न नाजिम न MP न MNA, मगर उसके बावजूद लगभग 2018 के इलेक्शन के बाद से और मौजूदा इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस होने तक लगभग 2 अरब रुपये से ज़्यादा काम हमने करा है सूबाई हुकूमत के ज़रिए और जिसमें वो 42 करोड़ का पानी का लाइन जो UC 34, 35 और 32 को बिलावल भुट्टो साहब की खसूसी हिदायत पे इलाके को दिए गए वो इसके अलावा है। तो इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि एक बहुत ही पसमानदा इलाका है, बहुत ही गरीब आबादी है, ये सीवरेज पानी इन मसाइल से हट के पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हमारे एक ख्वाब है, हमारे एक सोच है कि हम वहाँ अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी कायम करें, सेहत के लिए जो कि ऑलरेडी दिल का हॉस्पिटल आखिरी मराइल पे है, जनरल हॉस्पिटल दाऊदगोट में आखिरी मराइल पे है, मगर मैं कहूँगा कि ये सब कुछ भी काफ़ी नहीं है क्योंकि गंभीर मसाइल वहाँ पे जहाँ 40 साल के लगभग किसी और जमात की वहाँ हुक्मरानी रही, अरबों करबों रुपए की उन्होंने वहाँ पे फंड कराची में तो खर्च किए होंगे कागजों में मगर बल्दिया NA-249 में कुछ नहीं किया है। तो मैं उनको भी ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप अगर खुदा न खास्ता MNA बन भी गए तो आप क्या करेंगे और खसूसी तौर पे मैं मुस्लिम लीग नून के साथियों से और उनके कैंडिडेट से ये कहूँगा कि आपने इस्तीफ़ा अगर नहीं भी दिया जो कि आप पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर रहे थे, आज आप खुद जो कि इसका आपकी टिकट का या आपकी अगर MNA बन जाते 2 दिन की गारंटी नहीं है, अगर आप 2023 तक MNA बन भी जाते हैं तो आप क्या करेंगे सिवाय पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहने के अलावा जो हम एडवांस पे आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने जहां पहले हरे हुए या हरवाए हुए कैंडिडेट के जरिए भी 2 अरब रुपए से ज़्यादा काम की है और इंशाल्लाह 29 अप्रैल के बाद आप देखेंगे, मेरा दावा है आपके तवसत इंशाल्लाह हम NA-249 के अवाम की और हल्के की तकदीर बदलेंगे और ये कराची का मॉडल NA बनेगा इंशाल्लाह, मेरे कायद का हुक्म है और इंशाल्लाह जाले मेरे साथ है। और आखिर में मैं एक मतलब फिर मजलिसे वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं का शुक्र गुजार हूँ, वकार भाई फारूक आवान साहब और तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया।
आज मजलिसे वहदत मुस्लिमीन के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जिम्मेदारान, कराची डिवीजन के जिम्मेदारान मौलाना सादिक जाफरी साहब और हमारे सूबाई पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब सईद अली हुसैन नकवी भाई की एक तफसीली गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पर NA-249 बल्लिया टाउन और दीगर हल्के इसी हवाले से जो इस हल्के के मसाइल हैं, जिसमें हम शुक्रगुजार हैं जनाब वक़ार मेहदी साहब के जिन्होंने मुसलसल इस हवाले से हमारे साथ रबते में रहे, जनाब फारूक अवान साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे इन मसाइल को जो हमने वहाँ के इलाके के लोगों के तवसुत से हाईलाइट्स किए हैं, आदिर खान बंदूखेल साहब के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये वादा किया है कि ये इलेक्शन की सियासत एक तरफ है लेकिन अवाम की खिदमत एक तरफ है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीते या ना जीते, इनका ये वादा है कि गुज़िश्ता सालों में वहाँ से जो कैंडिडेट्स मुंतखब होते रहे उन्होंने बल्दिया टाउन और NA-249 के हलकों को बहुत नज़रअंदाज किया, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल जब वहाँ बारिशें जो पूरे शहर कराची में मसाइल रहे तो NA-249 क्योंकि एक मज़फ़ाती इलाका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था और अभी तक वहाँ हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, वहाँ पानी के मसाइल हैं, वहाँ सड़कों के मसाइल हैं, वहाँ लाइट्स के मसाइल हैं। इसके अलावा भी हमने जो गुफ्तगू फरमाई है कि वहाँ पर मज़फ़ाती इलाकों के नौजवानों के लिए आला तालीम के लिए वहीं इलाके में अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, टेक्निकल कॉलेजेस होने चाहिए, जिसके हवाले से भी हमारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से जिम्मेदारान से बात हुई है। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने NA-249 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो फैसला किया है उसका ऐलान मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान सूबह सिंध के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब सैयद अली हुसैन नकवी भाई आपके सामने पेश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स और आप तमाम मीडिया टीम का शुक्रगुजार हूं जो आप इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए तशरीफ़ लेकर आए। मजलिस वहदत मुस्लिमीन, जिस तरीके से आपको मालूम है कि NA-249 में अल्लामा मुबशर हसन हमारे उम्मीदवार के तौर पर वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और NA-249 वो हल्का है जहाँ पर हमारा एक मुनासिब वोट बैंक मौजूद है, लेकिन इससे पहले गुज़िश्ता जितने भी उम्मीदवारान वहाँ से मुंतखब होते रहे, बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि उन्होंने हल्के की अवाम के से वोट तो लिया लेकिन उनके मैंडेट के साथ खयानत बरती। हल्का बदहाल है, लोग मुतासिर हैं, जो उनकी बुनियादी जिंदगी की सहूलियात हैं वो तक मुयस्सर नहीं हैं और बिलखसूस NA-249 का इलाका ना पानी का मसला हल कर सकें, ये साबिक जीते हुए उम्मीदवार ना कभी पलट कर वहाँ पे जाके उन्होंने उन अवाम के हालत ज़ार का पूछा। आज हमारी बड़ी तफसीली नशिस्त हुई, फारूक अवान साहब तशरीफ़ लेकर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उससे पहले वक़ार मेहदी साहब और बाकी लीडरशिप से हमारी गुफ्तगुशनीद रही है। आज बहरहाल एक इंतहाई संजीदा तरीके से ये गुफ्तगू हुई और इस बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि NA-249 के अवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं उसके ऊपर इंतहाई संजीदगी से काम किया जाएगा। जो वहाँ पे लोग मुतासर हैं, बिलखसूस वहाँ की जो सिविक इशूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से बालातर होकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वहाँ पर लोगों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन कराची डिवीजन की सेक्रेटरी जनरल और पॉलिटिकल सेक्रेटरी और पॉलिटिकल काउंसिल से मुशावरत के बाद मजलिस वहदत मुस्लिमीन जिला गरबी के सेक्रेटरी जनरल और पॉलिटिकल काउंसिल और पॉलिटिकल सेक्रेटरी से मुशावरत के बाद
एक भरपूर पॉलिटिकल काउंसिल के इजलास के बाद हम ये ऐलान कर रहे हैं कि एनए 249 में मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की भरपूर हमायत करते हुए इंशाल्लाह पोलिंग डे तक शाना बशाना इनके काम करेगी ताकि बल्दिया के और इन 249 के अवाम को उनके बुनियादी हुकूक मिल सकें और उनके मसाइल हल हो सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब वकार मेहदी भाई से कि वो इस मौके पर اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے مجلس وحدت المسلمین کی قیادت کا جس میں خاص طور پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور ان کی صوبائی تنظیم کا کراچی کی تنظیم کا اور ضلع غربی کی تنظیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ مشاورت کے بعد یہ اعلان کیا کہ مجلس وحدت المسلمین 29 اپریل کو این اے 249 میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جناب قادر خان مندوخیل صاحب کی حمایت کا اعلان کیا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ہمارا ماضی میں بھی بہت اچھا کوارڈینیشن ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے، بہت سارے سماجی اور سیاسی معاملات میں ہم نے مل جل کر کام کیا ہے اور یہ رابطہ ہمارا تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے۔ جہاں تک دوستوں نے بات کی اور ہمارے ابھی جیسے انہیں نے بتایا کہ ابھی ہماری جو ملاقات ان سے تفصیلی ہوئی ہے جس میں مندوخیل صاحب بھی تھے، فاروق اوان صاحب بھی تھے، دیگر ہمارے دوست بھی تھے اور مجلس وحدت المسلمین کے ہمارے اکابرین بھی، علماء کرام بھی یہاں وہاں موجود تھے۔ ویسے حقیقت بات ہے کہ بلدیہ ٹاؤن مجموعی طور پہ اور بالخصوص این اے 249 کافی مسائل کا شکار رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ توجہ بھی رہی ہے، لیکن ماضی میں میں آپ کو عرض کروں جو بھی وہاں منتخب ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ ٹاؤن کی سطح پہ ہو یا ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور کراچی کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی رہی ہے، لیکن مادہ کے ساتھ ان کے یو سی کے ناظم یا ایم این اے ایم پی منتخب ہونے کے بعد وہاں پہ کوئی حالت نہیں بدلی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہمارا کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہے، لیکن ہم نے 42 کروڑ روپے سے کی لاگت سے پانی کی لائن ہم نے وہاں فراہم کی ہے پچھلے 2 سال پہلے۔ یہ حقیقت ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ سائٹ ایریا سے جو ایک لائن پانی کی جا رہی ہے وہ سیدھی بلدیہ ٹاؤن میں وہاں جاتی ہے جس سے 2 یوسکیوں کو پانی ملتا ہے۔ یہ ہم نے وہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو ہم نے الیکشن لڑنے کے وقت پہ یا ایم پی ایم این اے ہونے کے حوالے سے نہیں کیا، یہ ہم نے اس علاقے کی ضرورت کے مطابق کیا، لیکن یہ کوئی کافی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے امیدوار کی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں کے مسائل پہ نظر ہے۔ علی حسین بھائی نے بھی میٹنگ میں اور مبشر صاحب نے بھی وہاں میٹنگ میں کافی مسائل اجاگر کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی این اے 249 میں انشاءاللہ پہلے تو کامیابی کا انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سارے دوستوں کے تعاون سے، مجلس وحدت المسلمین کے تعاون سے، وہاں کی مختلف برادریوں کے تعاون سے، اور خاص طور پہ میں آپ کو اس پر یہ بتاؤں کہ عوان برادری جو ہے وہاں کی وہ بھرپور ہمیں وہاں سپورٹ کر رہی ہے۔ فاروق عوان صاحب کا اس میں بہت بڑا تنظیم العوان جو ہے بہت مشہور تنظیم ہے، وہ اس میں فاروق صاحب کا بڑا کردار ہے، وہ بھی ہمیں وہاں سپورٹ کر رہی ہے، مختلف برادریوں سپورٹ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایسا لائحہ عمل وہاں بنائیں گے کہ بلدیہ ٹاؤن کے لیے کہ جو اس کے بنیادی مسائل ہیں، سب سے بنیادی مسائل ہے اس کا مسئلہ ہے پانی، سیوریج، سڑکیں اور وہاں کے تعلیمی ادارے جس میں کالج بھی شامل ہے، اسکول بھی شامل ہے، ڈسپنسری بھی شامل ہے، اسپتال بھی شامل ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ ریکارڈ پہ رکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اس علاقے کو کسی بھی حالت میں
नजरअंदाज नहीं करेंगी। वैसे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो खिदमत को इबादत समझती है। हम इस बुनियाद पर काम ही शहर भी नहीं करते कि हमें वोट मिले ना मिले। मैं अगर आपको गिनाना चाहूं तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा एक यूसी नाजिम नहीं था, एक यूसी चेयरमैन नहीं था, लेकिन हमने कोरंगी क्रॉसिंग पे भी ब्रिज बनाया, कोरंगी ढाई नंबर पर भी ब्रिज बनाया, कोरंगी ढाई पाँच नंबर पर भी ब्रिज बनाया, कोरंगी इंडस्ट्रियल को भी हमने सड़क दी दाऊद चोरंगी तक। तो यह हमारा तो वोट नहीं है ना वहाँ पे, लेकिन हमने कोरंगी जिले में भी काम किया। वहाँ फिशरमैन चोरंगी जिस पर चेयरमैन साहब ने उसका इफ्तिताह किया वो भी हमने बनाया। तो बल्दिया टाउन को कैसे भूलेंगे हम, क्योंकि बल्दिया टाउन से हमारा एक वास्ता भी है। 1988 के अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वहाँ कामयाब हुई थी। अमीर अजहर काजमी साहब वहाँ से MNA बने थे जब यह हल्का 184 कहलाता था। बल्दिया टाउन के लोगों से पूछ सकते हैं कि जिस तरह से उनको वहाँ मुलाजमतें फराम की गई, वहाँ के मसाइल किए उसके वक्त, लेकिन उसके बाद वहाँ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का MNA कामयाब नहीं हुआ। 93 में हमें वहाँ से जबरी तौर पर हराया गया, उसके बाद वो सूरत हाल हो रही। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और वजीर आला सिंध कराची की खिदमत को अपनी इबादत समझ के कर रहे हैं, और चेयरमैन बिलावटो जरदारी साहब हम कराची को ओन करते हैं, चाहे वो जाफर तैयार हो, चाहे इचोली हो, चाहे वो लियारी हो, लियाकताबाद हो, बल्दिया हो, औरंगी हो, कोरंगी हो, लांडी हो, हॉक्स बे हो, किमाड़ी हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यहाँ बिला तफरी खिदमत पर यकीन रखती है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कराची में नई तब्दीली नजर आएगी, और MWM के साथ इंशाल्लाह आगे भी मुख्तलिफ मौके पर हमारा उनके साथ रब्ता रहेगा, वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी, और इंशाल्लाह आपको हम शायद मुस्तकबिल में MWM के साथ एक हवाले से कुछ खुशखबरी भी दें। बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल जवाब देखिए जी, MQM की बात आपने की, मैंने थोड़ी सी देखी है, ख्वाजा एजाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि ये इदारे किसके फंड से चल रहे हैं, सिंध हुकूमत के फंड से चल रहे हैं, NICVD किसके फंड से चल रहा है, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, यहाँ के हेल्थ के इदारे, एजुकेशन, ये सिंध हुकूमत के बजट से चलते हैं। वफाकी हुकूमत ने कौन सी चीज दी है? आज तक कराची के लोग 162 अरब रुपये का इंतजार कर रहे हैं, कल वो 446 अरब रुपये का ऐलान करके गए इमरान खान साहब। वो भी मुझे लगता है कि वो एक PTI के MPA नहीं कहा है कि पहले भी उमरकोट में लॉलीपॉप दे गए थे और फिर वो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। और उनको कल एक दोस्त ने हमारे बात की कि रमजान में ही उनको सिंध याद आता है जब वो चंदा लेने के लिए यहाँ जाते हैं। तो बात ये है कि कराची शहर की खिदमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करी। अच्छा, 1100 अरब रुपये की जो बात है ना कराची की, उसमें भी 800 अरब रुपये तो सिंध हुकूमत के हैं, लेकिन वफाक से कुछ नहीं मिला। यही आपसे बाहर रोड पर निकलिए, ये जो आपको क्या कहते हैं इसको, बस सर्विस जो है ग्रीन लाइन जो है, वो आज तक ये 3 साल में मुकम्मल नहीं कर सके। आज भी वही कैपिटल सिनेमा तक पहुंचे हैं, उसके आगे नहीं जा सके। तो वफाकी हुकूमत को कराची से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिंध के सूबे से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इमरान खान से एक दफा कह चुके हैं सिंध तो हमारा है ही नहीं, तो वो क्या यहाँ खिदमत करेंगे? तो जनाब MQM की जहां तक बात है, MQM तो खिसियानी बिल्ली खम्बन हो चुकी, क्योंकि उनके पास कुछ रहा नहीं है। आज उनकी सूरत हाल ये है कि अगर वो अभी इलेक्शन हो तो आप देखिएगा कि कितनी बुरी तरीके से उनका UC चेयरमैन भी कामयाब नहीं हो सकेगा। आज उनकी सूरत हाल ये है। तो MQM को चाहिए अपने गिरेबान में जाके दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले ये सोच ले कि वो कीचड़ के धब्बे उन तक भी जाते हैं। आखिर में इजहार तशक्कुर के लिए मैं कराची डिवीजन के सदर मौलाना सादिक जाफरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का और पाकिस्तान शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर सीख आए। इंशाल्लाह 29 अप्रैल को पाकिस्तान से इलेक्शन में कराची के सरकार को निकल के MWM के तमाम कारकुनान मेहनत करके इंशाल्लाह उम्मीदवार को कामयाब कराने में अहम रोल अदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, दुआ करवा दें प्लीज, दुआ करवाएं, दुआ दुआ कर। परवरदिगारा हमारा यहाँ बैठना और लोगों की फलाह व बहबूद के बारे में सोचना, लोगों के मसाइल के बारे में सोचना, इसको अपनी इबादत। परवरदिगारा
हमें तौफीक अता फरमा कि हम लोगों के मसाइल को हल कर सकें। परवरदिगारा इस मामले का तो पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, परवरदिगारा इसके रहने वालों को अपने हिफ्ज व आमान में रख। परवरदिगारा अभी कल ही हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन और मोहम्मद नकवी साहब इस दुनिया से कूच कर गए हैं। परवरदिगारा उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाओ, उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमाओ, उन्हें नवाए हम का साया नसीब फरमाओ। परवरदिगारा हाजरीन के नेक खुली हाजात पूरे फरमाओ। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउद्दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला